हेलीकॉप्टर से या हेलीकॉप्टर से बाय रोड लहर दिख रही है। प्रधानमंत्री जी की इस जुबान को मैं जानता हूँ। बिहार विधानसभा में 15 में हार रहे थे तब भी लहर देख रहे थे अपने लिए, तो खैर ये चुनाव में कॉन्फिडेंस थेरेपी कहते हैं इसको। प्रधानमंत्री जी से बस एक आग्रह होगा, व्हाट्सएप फॉरवर्ड को इलेक्शन का मुद्दा ना बनाए कि अब बोलना हो तो बोलिए ना, कि इलेक्ट्रल बॉन्ड पे जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैसे ईडी की दबिश के बाद चंदे आपकी पार्टी को गए, इस पर बोलना चाहिए। नौकरी पे शून्य बटा सन्नाटा क्यों है प्रधानमंत्री जी आपकी ओर से, उस पे बोलिए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा आपने कहा था 2013 में, 11 वर्षों बाद बिहार आपसे वही सवाल लेकर के खड़ा है, आप उस पर बोलिए। तब एक ईमानदार मूल्यांकन आपकी उपस्थिति का, आपके भाषण का होगा। तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट करके 10 सवाल पूछे हैं कि प्रधानमंत्री इन 10 का जवाब दे यहाँ की रैली में। मैं तो कह रहा हूँ 10 को छोड़िए, 10 में से आधे सवालों का जवाब देना। 10 सवाल तो उन्होंने बड़े माकूल पूछे हैं तेजस्वी जी ने, 10 में से अगर आधे सवालों का भी ईमानदारी से प्रधानमंत्री जी जवाब दे दें तो बेहतर होगा। देश के प्रधानमंत्री है ना, हमारा कोई अलग से प्रधानमंत्री है नहीं, तो हम उनसे ईमानदार उत्तर की प्रतीक्षा करते हैं। कल प्रधानमंत्री ने सहारनपुर में बोलते हुए कांग्रेस के मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग के मैनिफेस्टो से मिलता जुलता बताया, लेफ्टिस्ट माइंडसेट का बताया। नहीं, मैं आपको, प्रधानमंत्री जी को असल में दिक्कत क्या है ना, कि चुनाव में मुसलमान पाकिस्तान बहुत याद आते हैं, इसी देश के नागरिक हैं मुसलमान। खैर, मैं ये कहना चाहूंगा कि 25 लाख की स्वास्थ्य की कवरेज ये लीगी है डिमांड, मनरेगा के में वेजेस की बढ़ोतरी ये मुस्लिम लीग का डिमांड है। प्रधानमंत्री जी कौन सी दुनिया में आप रहते हैं, कौन से सपने देखते हैं, कौन आपको एडवाइस कर रहा है? आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपसे गुनाह करवाया जा रहा है इस प्रकार की टिप्पणियां करके। मनरेगा के लोगों की बढ़ोतरी ना हो, 25 लाख का हेल्थ कवरेज ना हो, 30 लाख नौकरियों की बात ना हो। हेलीकॉप्टर से या हेलीकॉप्टर से बाय रोड लहर दिख रही है। प्रधानमंत्री जी की इस जुबान को मैं जानता हूँ। बिहार विधानसभा में 15 में हार रहे थे तब भी लहर देख रहे थे अपने लिए, तो खैर ये चुनाव में कॉन्फिडेंस थेरेपी कहते हैं इसको। प्रधानमंत्री जी से बस एक आग्रह होगा, व्हाट्सएप फॉरवर्ड को इलेक्शन का मुद्दा ना बनाए कि अब बोलना हो तो बोलिए ना, कि इलेक्ट्रल बॉन्ड पे जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैसे ईडी की दबिश के बाद चंदे आपकी पार्टी को गए, इस पर बोलना चाहिए। नौकरी पे शून्य बटा सन्नाटा क्यों है प्रधानमंत्री जी आपकी ओर से, उस पे बोलिए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा आपने कहा था 2013 में, 11 वर्षों बाद बिहार आपसे वही सवाल लेकर के खड़ा है, आप उस पर बोलिए। तब एक ईमानदार मूल्यांकन आपकी उपस्थिति का, आपके भाषण का होगा। तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट करके 10 सवाल पूछे हैं कि प्रधानमंत्री इन 10 का जवाब दे यहाँ की रैली में। मैं तो कह रहा हूँ 10 को छोड़िए, 10 में से आधे सवालों का जवाब दे दें। 10 सवाल तो उन्होंने बड़े माकूल पूछे हैं तेजस्वी जी ने, 10 में से अगर आधे सवालों का भी ईमानदारी से प्रधानमंत्री जी जवाब दे दें तो बेहतर होगा। देश के प्रधानमंत्री है ना, हमारा कोई अलग से प्रधानमंत्री है नहीं, तो हम उनसे ईमानदार उत्तर की प्रतीक्षा करते हैं। कल प्रधानमंत्री ने सहारनपुर में बोलते हुए कांग्रेस के मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग के मैनिफेस्टो से मिलता जुलता बताया, लेफ्टिस्ट माइंडसेट का बताया। नहीं, मैं आपको, प्रधानमंत्री जी को असल में दिक्कत क्या है ना, कि चुनाव में मुसलमान पाकिस्तान बहुत याद आते हैं, इसी देश के नागरिक हैं मुसलमान। खैर, मैं ये कहना चाहूंगा कि 25 लाख की स्वास्थ्य की कवरेज ये लीगी है डिमांड, मनरेगा के में वेजेस की बढ़ोतरी ये मुस्लिम लीग का डिमांड है। प्रधानमंत्री जी कौन सी दुनिया में आप रहते हैं, कौन से सपने देखते हैं, कौन आपको एडवाइस कर रहा है? आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपसे गुनाह करवाया जा रहा है इस प्रकार की टिप्पणियां करके। मनरेगा के लोगों की बढ़ोतरी ना हो, 25 लाख का हेल्थ कवरेज ना हो, 30 लाख नौकरियों की बात ना हो।